सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है, आदर है। और मेरे लिए प्रत्येक गांव वाला, प्रत्येक ग्रामवासी और या वो गांव का बाहर रहता हो, अपना बिल्कुल एक परिवार का सदस्य है। मैं माँ भगवती, यहाँ के इष्ट देवताओं को, यहाँ के भूमिहारों को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद यहाँ की जनता को प्रणाम करता हूँ। और बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि जो हमारे पुरखों की पगडंडियों पे विकास का पहिया चढ़ा, मैं उसके लिए समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। आप देव तुल्य हो, आपने बहुत बड़ा संघर्ष किया जो इस छोटे से गांव में इस दुर्गम पहाड़ियों को कटवा कर आपने सड़क पहुंचा। लेकिन मैं बड़खंडी भैरव सभी इष्ट देवताओं को साक्षी मानकर आपसे एक दो बातें अपने दिल की करूंगा आज बहुत ज्यादा। मैं पहले तो एक बात साफ बता देना चाहता हूँ, सपना अपने बेटे और बिटिया के लिए देखता हूँ, वो सपना अपने गांव के लिए भी देखता हूँ, वो गांव के बच्चों के लिए भी देखता हूँ। आपने जैसे ये संघर्ष किया, ये गांव बलिदानी गांव, पराक्रमी गांव, देव गांव, अलग ही क्यों धार है इस गांव की। लोग बोलते थे कूड़ी देखी, कूड़ी नहीं देखी, सूढ़ी देखी, सूढ़ी नहीं देखी। मैं निवेदन करता हूँ, अपने आपस में सामंजस्य बनाओ, एक दूसरे पे छींटा कसी न करो। एक आदमी बात जानते हैं, आप उसको इनडायरेक्ट मत बोलो, हाथ जोड़ के बोलो कि भैया यहाँ पे गाड़ी का किराया है, सड़क काम कर ले, मैं डेली आने जाने वाला हूँ। सेना की भर्ती नहीं पहन पाने का मेरे को बहुत मलाल है, मरते मरते तक मलाल मुझे सताता रहेगा। लेकिन गौरवशाली हूँ, सारे भाई फौज में है, बड़े भाई भी फौज में है, और भारी भरकम स्टारों को लेकर कई भाई मेरे इस समय गांव में रहते हैं, वो भारतीय सेना से विदाई ले चुके हैं। लेकिन मेरे एक भाई साहब ने एक दिन बोला, माननीय त्रिलोक सिंह नेगी जी ने, कि हम तो अभी भी रेडी रहते हैं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं आपको एक बात और, मेरे दो सपने हैं गांव के लिए, और जो आप लोगों को मिलके मेरे साथ करना पड़ेगा, प्रधान जी का साथ देना पड़ेगा। एक तो आप आने वाले ग्राम सभा में एक काम करो, आने वाले चुनाव में भाई आप ऐसा ना निर्विरोध चुनाव, वो निर्विरोध प्रधान घोषित कर दो। एक तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा जो सरकार से आप मांगोगे वो मिलेगा, दूसरी बात जो बजट मिलेगा वो आप अपने काम में खर्च कर सकते हैं। कोई आदमी ये ना सोचे कि मैं देहरादून हूँ, मैं हरिद्वार हूँ, मेरे बच्चे यहाँ नहीं रहते, मुझे क्या लेना, मुझे क्या देना। मैं बोल बोल के थक गया, सबको हाथ जोड़ रहा हूँ, अरे जेसीबी सोनी घाट डालो, एक ग्राउंड चौड़ा कर दो रे, हमारे बच्चे साइकिल में जाएंगे, खेल के आएंगे, जलता नहीं निखार लोगों को उमड़ उतर निचाल बॉल। हमारे गाँव में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, विजय सिंह रावत, रघुवीर सिंह नेगी, विजय सिंह परसारा, बहुत अच्छे। मैं कह रहा हूँ इन लड़कों को अगर आगे मौका मिलता ना, ये विश्व स्तरीय प्लेयर थे। हमने इनका नाम रवि शास्त्री, किसी का नाम गावस्कर रखा था, किसी का नाम सुनील गावस्कर रखा था। पितृ मेरा अमर सही, आज यहाँ पे पितृ देवता ने अपने दर्शन दिए, बहुत खुशी हुई, मेरी हिमालय यात्रा सफल हो गई, मैं अहोभागी हूँ। मेरे भाई की बहादुरी भारत सरकार ने लौटाई, मैं सब ग्रामीण वासियों को और सभी भाइयों को शुभकामना देता हूँ। मैं अपने एक एक भाई को कलेजे के समान प्यार करता हूँ। मेरा मन करता था जब मैं छीस उड़ता था, गौर सिंह दास सुनन जी, बख्तार सिंह पिस्त जी सुनन जी, लड़े छू सुनन जी, पदम सिंह भाई साहब सुनन जी, तीर लोगों, तो मेरा दिल करता था कि चैत सिंह भाई साहब, मैंने कहा इस भाई का नाम मैं उजागर करूंगा, बोला देख लो वृक्षारोपण। मैंने प्रधान जी को बोला अपने भतीजे को, मैंने कहा रोड जब क्लियर हो जाती आप वृक्ष लगाओ दोनों साइड पुल तक, चाहे हमारे को जंगल में आप फलदार वृक्ष ठोक दो, बांदर गांव में तो नियाल आप फूल लगा दो, गुलाब लगा दो सड़क के किनारे, जगह जगह बहुत अच्छी व्यवस्था करनी है सड़क पे। दूसरी बात सुनिएगा,
पया डाल में बे वे हिंगवा डाल धार तक मिले सका न पूरे हाथ आल भी नि जल जानी ठुर ठाक हमारी जिप्सी ये छोटी टाटा सुमो तो चले जाएगी। कोई गांव वाला ये ना सोचे ना कि उनकी क्या चिंता पड़ी है, वो बराबर है भाई, ठीक है ना। दूसरी बात खेल का मैदान, तीसरी बात जो चैत सिंह भाई साहब का घर है ऊपर खंडर बनाया जो घर, वो खंडर नहीं। आपने कविता में भी सुना होगा कि तीरथ का वो शहीद का घर जो है ना उससे बड़ा कोई तीरथ नहीं, उसमें जो है चारों धाम समाये हुए, वो मंदिर है, वहाँ भाई साहब साक्षात भगवान घूम रहे हैं। हाँ चैत सिंह भाई जो है भारतीय सेना के सैनिकों की रक्षा करता है, देव तुल्य बन गया। जसवंतगढ़ में बड़े भाई साहब पूनम के पिताजी पढ़ के आए उनका नाम, मेरे को बहुत खुशी हुई। अभी भारत सरकार ने जब दिया कि हाँ भाई, नहीं तो गुमनाम शहीद हो गए थे। दूसरी बात, एक छिपा हुआ शहीद और है हमारे यहाँ गुमनाम पितृ देवता धर्मान सिंह भाई साहब। चैत सिंह भाई साहब युद्ध में मरे थे, वो शांति काल में मरे थे। बांग्लादेश युद्ध के बाद जो है वो उनकी ड्यूटी छाम बॉर्डर में लगी थी। यहाँ पे भाग्यशाली मान्य केशव सिंह परसारा जी है, वो उनके साथी थे, उन्होंने उनको अपने सामने विदा होते देखा त्रासदी में। आज के जैसे हेलीकॉप्टर रहते, आज की जैसी वायुसेना हमारे पास रहती, आज के जैसे साजो सामान इस देश के पास रहता, तो मेरे भाई को 4 घंटे तक उस टावर पे फंसने के बाद मौत नहीं गले लगानी पड़ती, उसको कोई ना कोई हेलीकॉप्टर उठा लेता। आज एक साधारण आदमी भी कहीं फंसता है तो उठा लेते तुरंत, तुम देखते हो टीवी में, बोलने की तो बात है नहीं। तो ये गांव जो है एक धर्मान सिंह को खो चुका है, धर्मान सिंह नेगी को मैं गौरवशाली मानता हूँ। मेरे दो भाई जो है दीपक सूर्य बन के सीमा पे रक्षा कर रहे हैं, अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक भरत सिंह जी का और हरपू धर्मेंद्र जी का दादाजी हैं, वो विदेशी युद्ध में लड़े थे, विदेश म्यांमार में शहीद हुए। आप पुराने लोगों को पूछो, 3 अमर शहीद तो मैंने गिना दिए, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मान्य बख्तियार सिंह बिष्ट, सॉरी मान्य बख्तियार सिंह नेगी बरसारा नेगी जी, गौरव सेनानी, उनके साथ और भी कई होंगे, मेरे को इतना जानकारी नहीं, माफी चाहता हूँ, और भी कई सैनिक, और गौर सिंह बिष्ट, बख्तावर सिंह बिष्ट, पदम सिंह नेगी, दूसरे पदम सिंह नेगी, चैत सिंह नेगी, कई कई दुश्मनों की लाशें बिछाकर मातृभूमि के लिए शहीद हुए। जागो, मैं सभी बच्चों से यही निवेदन करता हूँ, अपना समय बचाओ, इस गांव में आजादी के तुरंत बाद मजाक भी कर रहा हूँ मैं, मिल रहा है, कुछ मिल रहा, मेरे से ज्यादा आप जानते, मेरे से ज्यादा आप जानते। और देखो हमारे कई आदमी जाते जाते, मैं उन आत्माओं को भी, उन दिव्यात्माओं को भी प्रणाम करता हूँ जो जीवन की यात्रा में पूरी सड़क नहीं देख पाए इस गांव की, उन पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ। मुझे दुख है वो लोग नहीं देख पाए इस हर्ष को, मेरे को बहुत हर्ष है इस चीज का। मेरे को कई दिन तक गांव के सपने आए, और उससे पहले मेरे को सपने आए भीमसिंह चौधरी डांगू में ट्रक लगे दिन तब सड़क ऐसी कर दिया। भगवान के सामने अपने इसी देवता के सामने बोल रहा हूँ, तो शूणीघाट पूरा रोड भी चाहते अभी कहे आदमी बुला रहे बोलते रन क्यों करण पूरा जिसका भी पंजड़ा सारा पूरा घर खगड़ू में सब अंग्रोट छा दो। मैंने प्रधान को 2-3 साल से बोल रहा हूँ, जो सीता पहनी धौरो है सपन पंपिंग स्टेशन, बहुत गांव कर रहे हैं यूज, बहुत गांव ले रहे सेवा सरकार से, सरकार सरकार भी नहीं गोना छोड़ा हाथ जोड़न, तुम सब जाने ना, मैसेज जा तुम जाने ना, तो पानी भी आ सकता ठीक है भाई, 2 दिन काम होने ही, मैं आभारी रहूंगा आपका, और इसमें कोई भी गलती होगी मैं मत क्षमा चाहता हूँ। मैं सब दीदी बोलियो गाँव गली सब तो मेरे लिए, इस गांव में नारी में सीता और नर में राम है, बस इससे ज्यादा क्या बोलूं।